खरगोना आदिवासी कांग्रेस द्वारा सीधी में हुई घटना को लेकर जमकर नारेबाजी की। जिला कलेक्ट्रेट में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के वायरल वीडियो मामले में कथित बीजेपी से संबंध रखने वाले प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध समूचे प्रदेश में आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं आदिवासी संगठन और कांग्रेस इस मामले में खासा रोष प्रकट कर रहे हैं। इस कड़ी में आदिवासी कांग्रेस इकाई एवं NSUI द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन देने के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोशित नारेबाजी की गई, जिसमें न केवल परवेश शुक्ला अपितु प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की एवं ज्ञापन सौंपा। ये जो कल सीधी में जो घटना हुई है, एक आदिवासी युवक के ऊपर जिस प्रकार एक भाजपा नेता और विधायक प्रतिनिधि द्वारा जो कृत्य किया गया है, इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के आदिवासियों में बहुत आक्रोश है। इस आक्रोश को लेकर के आज हमारा पूरा जिला आदिवासी कांग्रेस सड़कों पर उतरा है और मुख्यमंत्री मामा हमेशा आदिवासियों के अपने आप को हितैषी बताते हैं और उनका बुलडोजर हर वक्त तैयार रहता है। आज अगर ये जो घटना करने वाला पदाधिकारी अगर उनकी पार्टी का ना होता तो ये अभी तक कितने लोगों के घरों को मिट्टी में मिला देते। अब मामा कहाँ गए, मामा का बुलडोजर कहाँ गया? आपके द्वारा आज नारेबाजी करके ज्ञापन दिया गया, क्या मामला रहा पूरा? ये अभी आपने देखा पड़ा होगा, सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर एक तथाकथित सभ्य समाज जो अपने आप को उच्च कोटि के समझते हैं, उन लोगों ने मूत्र विसर्जन किया है, पेशाब कर दी है। आप सोचिए ये कौन सी मानवता है, कौन सा संस्कार है, कौन से वो है हमारे आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये उसके एक उदाहरण है मात्र। आर की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।